हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन संगीता सम्मी किचन। फ्रेंड्स, इट्स क्रिसमस टाइम, तो मैरी क्रिसमस सभी को, और न्यू ईयर भी आने वाला है। तो इसी के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी, डोनट्स की रेसिपी, जो कि मैंने बनाया है गेहूं के आटे से। इसमें कोई मैदा का मैंने यूज़ नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये क्रिसमस आपका मज़ेदार और हेल्दी होगा, तो ज़रूर बनाकर ट्राई करें। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और झटपट बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं इस टेस्टी सी रेसिपी को। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा ले लिया है, इसे छान लिया है पहले मैंने। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पर एक चम्मच बटर। आप बटर की जगह पर घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, पर बटर से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसमें बटर की क्वांटिटी आप और भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच बटर और एक चम्मच ऑयल डाला है। इसके बाद यहाँ पर ले लिया है मैंने एक्टिवेटेड ईस्ट। तो इसको एक्टिवेट करना मैंने अपनी बहुत सी रेसिपी से मैं बताया है, अगर नहीं पता तो आप जाकर देखें। वैसे तो यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क लिया था, उसमें चीनी, नमक और दूध को थोड़ा सा गुनगुना कर लिया था और ईस्ट डाल दी थी। तो 2 चम्मच ईस्ट के साथ यहाँ पर मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी सी टूटी फ्रूटी इसमें ऐड कर दी थी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे ये। तो टूटी फ्रूटी डालने के बाद इसका टेस्ट अलग ही आ जाता है। इसमें देखिए, अगर आपको ज़रूरत लगे और आटा डालने की, तो आप इसमें और आटा डालें, उसके बाद इसे गूंद लेंगे। तो यहाँ पर एक्टिवेटेड ईस्ट की बात कर रही थी मैं, तो एक्टिवेटेड ईस्ट को जब हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे, उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जब वो एक्टिवेट हो जाए तो उसे यूज़ कर लेंगे। आप मेरी बाकी की रेसिपीज़ में ज़रूर देखें, अगर आपको नहीं पता था किस तरह से एक्टिवेट करेंगे ईस्ट को। यहाँ पर देखिए, अच्छे से इसे गूंद लेंगे। तो ज़्यादा हमें बिल्कुल रोटी की तरह नहीं गूंदना है इसे, बस मिक्स करते हुए इकसार कर लेना है। इसमें आप बीच में अगर ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, और भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें ड्राई फ्रूट के साथ। यहाँ पर देखिए, हमारा आटा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा चिकनाई का हाथ लगाकर इसे हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और रख देंगे इसे फर्मेंट होने के लिए। तो यहाँ पर फर्मेंट होने के लिए इसे मैंने 1 घंटे के लिए रखा था। 1 घंटे के बाद ये अच्छे से फर्मेंट हो गया था। इसमें क्लिंग रैप या फिर आप इसको कवर कर सकते हैं किसी भी इसकी कैप से। यहाँ पर देखिए, रख देंगे थोड़ी सी गर्म जगह में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कितने अच्छे तरह से फर्मेंट हो चुका है। इसे एक बार और अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। इसे हल्के हाथों से इसे गूंद लेंगे, जिससे कि एकदम स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा ऑयल इसमें और लगाएंगे, ऑयल या बटर आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं ग्रीसिंग के लिए। जैसे जैसे ज़रूरत पड़े वैसे वैसे आप इसमें थोड़ा सा ग्रीस किया हुआ हाथ लगा सकते हैं, जिससे कि इसका टेक्सचर और ये इजी टू हैंडल हो जाए। अब इसके 2 पार्ट्स यहाँ पर कर लेंगे। अगर आपने ज़्यादा आटा लिया है तो आप इसी उसके अकॉर्डिंग ही पार्ट्स करें इसमें। और देखिए, मैंने यहाँ पर तो ज़्यादातर 1.5 से 2 कटोरी आटा था। अब थोड़े से यहाँ पर तिल डाल लेंगे। तिल भी इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट देगा और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तिल। जैसे कि अब आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स और तिल बहुत अच्छे वार्म देने का काम करते हैं, तो बहुत अच्छी गर्माहट से मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, प्लेट मैंने लगा लिया, प्लेट पर तिल और थोड़ा सा आटे को मैंने स्प्रिंकल कर रख दिया है। तो चलिए, जब हम डोनट बनाएंगे तो उसी प्लेट पर हमें रखना है। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने तिलों को इसमें लगा लिया है, जिससे कि तिल अच्छे से आ जाए आटे के ऊपर, बिखरे ना इधर उधर बनाते वक्त इन्हें। तो इस तरह से देखिए, हमें पेड़ा बना लेना है, जैसे आप रोटी बनाते वक्त बनाते हैं। इसमें देखिए, आटे का ही मैंने प्रोटीन यूज़ किया है यहाँ पर। सूखा आटा ले लेंगे और अब इसे हमें बेल लेना है। तो हल्के हाथों से इसे बेलना है, ज़्यादा हमें टेढ़ा हाथ यूज़ नहीं करना है, टाइट हाथ से बिल्कुल ना बेलें, हल्के हल्के हाथों से इसे बेलना है। अब कोई भी जिस भी साइज़ के आपको डोनट्स बनाने हैं तो ढक्कन ले लें, या फिर अगर आपके पास डोनट कटर है वो ले लें, ग्लास ले लें, किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। तो बीच का होल करने के लिए भी मैंने यहाँ पर देखिए, दवाई के साथ जो कैप आती है वो अच्छे से क्लीन कर ली है, उसे ले लिया है। अब यहाँ पर बीच से आप इस तरह से प्रेस करते हुए इसे होल बना लें, और जो साइड से आटा बचा है इसे नेक्स्ट डोनट के लिए यूज करेंगे। अब इन जो हमारे डोनट्स रेडी हो चुके हैं उन्हें रख लेंगे अलग। और देखिए, मोटाई इस हिसाब से रखनी जिस हिसाब से मैंने दिखाई है। आप थोड़ा सा और मोटा इसे ले सकते हैं, और अगर आपको बिल्कुल मोटे मोटे डोनट्स चाहिए तो और मोटा भी डो आप जो बेलेंगे उसे मोटा डो बोले, जिससे कि आपके पास जो डोनट्स बन जाएंगे थोड़े और मोटे बने के आएंगे।
यहाँ पर दूसरे वाले को भी मैंने बेलना शुरू कर दिया है और उसको भी कट कर दूसरी प्लेट पर एडजस्ट कर दिया है। यहाँ पर सभी डोनट्स बनाकर मैं रेडी कर लूँगी, इसी तरह से बेलकर रेडी कर लूँगी। और अब मैं आपको देखिए यहाँ पर फ्राई करके दिखाऊंगी डोनट्स को। यहाँ पर ऑयल ले लेंगे, ऑयल को ज़्यादा हमें एकदम हीट नहीं करना है, तेज गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मीडियम रखना है। और डोनट्स को उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे। देखिए आपको तेल देखकर पता चल रहा होगा कि कितना गर्म है ये, तो तेज गर्म नहीं है, बिल्कुल मीडियम हॉट है ये। तो एक बार में हमारे तीन डोनट्स ईजिली आ गए हैं कढ़ाई में, तो एक बार में तीन डोनट्स ही हम फ्राई करेंगे। तो आपकी कढ़ाई का साइज़ जैसे हिसाब से है आप उस हिसाब से डोनट्स को फ्राई करें। और इस तरह से देखिए तेल को थोड़ा ऊपर डालते हुए डोनट्स को फ्राई करना है, बिल्कुल फ्लेम को मीडियम रखें, ज़्यादा हाई पर ना रखें। देखिए डोनट्स हमारे फूलना चालू हो गए हैं, कितना अच्छे से ये फूल रहे हैं, तो इस साइज़ में डबल हो जाएंगे। देखिए एकदम अच्छे से फूल गए हैं और साइज़ भी इनका बड़ा हो गया है। अब बच्चों को सरप्राइज दें इस न्यू ईयर या फिर आने वाले क्रिसमस पर, बनाकर ये बच्चों को रेडी करके खिलाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप इन्हें स्टोर भी करके रख सकते हैं 10 से 15 दिन के लिए, आप इन्हें फ्रिज में स्टोर करें और जब ज़रूरत हो खाने की तो इसे निकालें, ओवन में इसे गर्म कर खा लें। तो देखिए यहाँ पर हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं डोनट्स, इन्हें निकाल लेंगे। अब यहाँ पर डोनट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इसमें चॉकलेट लगाएं, जैम लगाएं, क्रीम लगाएं, किसी भी चीज़ से इसे ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ, इसे मैंने ऊपर से कुछ नहीं लगाया, इन्हें मैंने जैम से किस तरह से फिल किया है, तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक डोनट्स चलो तोड़ के दिखाते हैं पहले, देखिए अंदर से कितने अच्छे फ्लफी बने हैं। तो चलिए अब इस पर जैम लगाने की बारी है, तो यहाँ पर देखिए कट करेंगे। तो बीच से हमें इस तरह से कट करना है कि दोनों पार्ट्स इक्वली कट हो जाएं डोनट्स के। तो इस तरह से आप चाकू को बीच में ही घुमाएं डोनट के। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स अलग हो चुके हैं डोनट्स के, अंदर से भी कितने अच्छी तरह से हमारे डोनट पक चुका है। अब लेंगे जैम, तो आप किसी फ्लेवर का जैम ले सकते हैं और इसमें इस तरह से स्प्रेड करें जैसे हम ब्रेड पर लगाते हैं। और इसके ऊपर अब आप चाहें तो ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल कर सकते हैं या कोई भी चीज़ स्प्रिंकल ऊपर से कर सकते हैं, टूटी फ्रूटी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं या फिर सिंपली भी आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया था इसका, जब इस तरह से हमने इसमें बीच में जैम लगाया था। ज़रूर बनाकर ट्राई करें एक बार, बहुत ही अच्छी यूनिक रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी तरह की और रेसिपीज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर, वीडियो को लाइक जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि नई नई रेसिपी की वीडियो आपके पास टाइम पर पहुंच सके। और अगर आप अभी तक आपने इन रेसिपीज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत अच्छी रेसिपीज है। चैनल पर बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है जो आपके बहुत ही काम आएंगे, 300 से ज़्यादा रेसिपीज मैंने चैनल पर डाली हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसी तरह चैनल के साथ बने रहें।